वेलकम टू द सीनियर रील्स ऑन लोकेशन वीडियो। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अहिल्याबाई होलकर के सेट पे। अहिल्याबाई होलकर जो सोनी टीवी पे रात 7:30 से 8 बजे टेलीकास्ट होती है, तो आपको मैं दिखाऊंगा अहिल्याबाई होलकर का पूरा आउटडोर सेट और शूटिंग कैसे होती है, सब कुछ बताऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। यह अहिल्याबाई होलकर का सेट आप देख सकते हैं, बाहर से कितना भव्य दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक मंदिर है। ये पूरा सेट आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप ये पूरा सेट को देखिए। जहाँ पे शूटिंग चल रही है, जहाँ पे आर्टिस्ट है, ये एक मंदिर का सीक्वेंस है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो नेहलता जी हैं, मल्हारराव होलकर की वाइफ के कैरेक्टर में है। जो आपके उनके आस पास आपको दिख रहे हैं, जो जिनके हाथ में स्क्रिप्ट है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो शॉट समझा रहे हैं लता जी को। दिखा दिया हिल क्यों रहा है? आप देख रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर सीन समझा रहे हैं। ये कैमरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो कैमरे का सेटअप है, एक टेंपल के बाहर सेट किया गया और दूसरा टेंपल के अंदर। ये देखिए दूसरा सेटअप, कैमरे का सेटअप। ये देखिए इनका नाम है राजेश श्रीगरपुर, जो मल्हार राव होलकर के कैरेक्टर में है। ये दोनों का आपसी कन्वर्सेशन है, दोनों अंदर से बाहर की ओर आते हैं, राजेश जी और स्नेहलता जी। मल्हार राव होलकर और मल्हार राव होलकर की वाइफ, ये दोनों बाहर आते हैं, कैमरा उन दोनों को फॉलो करता है। दोनों का आपसी कन्वर्सेशन है। बाकी आप देख रहे होंगे पीछे में जो लोग खड़े हैं, जो गार्ड के कैरेक्टर में हैं, वो सब जूनियर आर्टिस्ट हैं। टेंपल के फ्रंट गेट पे दोनों का कन्वर्सेशन है। जो सब कुछ आप देख रहे होंगे कैमरे से, पूरा ये फ्रंट गेट वगैरह का सब सीन एक साथ शूट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दोनों का कन्वर्सेशन शॉट है, टू शॉट जिसको बना के शूट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शंकर जी के पीछे कैमरा लगाया गया है, ताकि शंकर जी का सजेशन थोड़ा सा लिया जा सके और ये क्लियर हो सके जब आप देखें सीरियल को कि हाँ ये लोग टेम्पल के पास में थे, टेंपल के फ्रंट पे ये लोग बात कर रहे थे। तो ये सब बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा ये सब शॉट का असर पड़ता है कि आप लोगों को पता चल पाए कि हाँ ये शॉट टेंपल के आसपास शूट किया गया है। दूसरे कैमरे से आप देख पा रहे होंगे जो मल्हार राव होलकर हैं उन पे फोकस किया गया है, वो शॉट बनाया गया है। सजेशन में मल्हार राव होलकर की वाइफ खड़ी हैं। ये शॉट फिर से दोबारा शूट किया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो रिटेक करते हैं डायरेक्टर, दोबारा से शूट करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है ताकि सीरियल देखने में मज़ा आए। हर आदमी का रिएक्शन, हर आर्टिस्ट का रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आपको दिख पाए और
कैरेक्टर को आप समझ पाए, स्टोरी में बिल्कुल मतलब जान आ जाए, इसके लिए अलग अलग तरीके से डायरेक्टर शूट करते हैं। कोई शॉट पसंद नहीं है तो उसको दोबारा शूट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आसपास में कैमरामैन और बहुत सारे लोग होते हैं, जो शॉट के बाद कुछ प्रॉपर्टी हिल जाए या आर्टिस्ट का मेकअप ख़राब हो जाए तो उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट खड़े होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी एडी खड़े होते हैं। ये दोनों का आपसी कन्वर्सेशन है। शूटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे लोग होते हैं, हमें जितने आर्टिस्ट फ्रंट पे दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग कैमरे के पीछे खड़े होते हैं, और सबके सपोर्ट से सब लोग जब बहुत मेहनत करते हैं तब सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज बनती है। आप देख रहे होंगे कैसे टेंपल को डेकोरेट किया गया है, कैसे फूल माला चढ़ाया गया है ताकि आप लोग को रियल फील आ सके। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं। जैसे ही एक शॉट कंप्लीट होता है नेक्स्ट शॉट के लिए सब लोग रेडी रहते हैं, उसके लिए पहले से असिस्टेंट डायरेक्टर स्टडी करके रखते हैं, डायरेक्टर स्टडी करके रखते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, जो डायरेक्टर की टीवी लगी हुई है जहाँ पे वो देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, मैं वहाँ से आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखिए एक्चुअली जो वो शॉट था वो कंप्लीट हो गया, अब उन दोनों का क्लोज शॉट कटेगा, इसके लिए सेटअप को चेंज किया जा रहा है। सेटअप चेंज होगा, देन फिर इन लोगों का क्लोज कटेगा। तो यहाँ पे उनके अगर बाल खराब हो गए हैं तो वहाँ मेकअप आर्टिस्ट, हेयर वाले लोग उनका बाल सही कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट शॉट लगेगा तो इस तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको किसी भी सेट का, किसी भी सीरियल का बिहाइंड द सीन चाहिए, आपको देखना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन से सेट, कौन से सीरियल और किस टाइप की वीडियोस पसंद है, आपके लिए उस टाइप की वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बस